Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव ऑन करते हैं। कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 4 लाख, जिसके अंदर एक बॉयलर भी इंक्लूडेड था। इंक्लूडेड था मतलब इस 4 लाख की फिगर के अंदर ही 40 लाख का एक बॉयलर भी था। यहां से समझाएं कि 3,60,000 की अलग थी मशीनरी, 40,000 का बॉयलर था, टोटल मिलाकर 4 लाख की खरीद। इंक्लूडिंग का मतलब होता है उसके अंदर ही है। डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों 10% पे पहले 4 साल का, और बिगनिंग ऑफ 5th ईयर में बॉयलर बेकार हो गया और उसको हमने 2,000 रुपए में सेल कर दिया। अब आप इसका मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाओ, ठीक है ना? इजी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। 1st ईयर में डेट नहीं दी हुई, 2 बैंक, हमने बिगनिंग में माना 4 लाख की, डेप्रिसिएशन लगाया 40,000, बैलेंस बचा 3,60,000। अगले साल ब्रॉड डाउन किया 3,60,000, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 36,000, 3,60,000 का 10%, बैलेंस बचा 3,24,000। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है बच्चों, यहाँ पे 3,24,000 हमने ठीक लिखा हुआ है, इसमें मिसप्रिंटिंग को मैं थोड़ा सा अपने हाथ से ही ठीक कर देता हूँ। 3,24,000 रुपए, ठीक है, 3,24,000। नेक्स्ट ईयर इसको ब्रॉड डाउन किया, इस बार फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाया बच्चों हमने, 32,400, बैलेंस बचा 2,91,600। अगले साल इसको ब्रॉड डाउन किया, 2,91,600, अब इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, 29,160। सिंपल ओपनिंग फिगर का 10% कैलकुलेट करते जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन आती जा रही है, बैलेंस बचा 2,62,440, इसको ब्रॉड डाउन कर दिया, ठीक है जी, राइट। और अब 5th ईयर की बिगिनिंग में वो जो 40,000 का बॉयलर था वो यूजलेस हो गया और उसको 2,000 रुपए में सेल कर दिया। जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं 3 चीजें आती हैं, डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और लॉस या प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर में ही सेल कर दिया, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी, एक बाय बैंक सेल 2,000 और एक लॉस 24,000। अब ये 24,000 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको जरा वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ बच्चों। इसकी कॉस्ट ऑफ बॉयलर थी बच्चों 40,000, इस पर पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया था 4,000, बाकी बचा था 36,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 3,600, बाकी बचा था 32,400, उसका 10% डेप्रिसिएशन 3,240, फिर बैलेंस बचा था 29,160, उसका 10% डेप्रिसिएशन 29,160। तो टोटल 13,756 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका था, 26,244 उसका बैलेंस बचा हुआ। अब इस साल उसको मैंने सेल किया है 2,000 में, तो बाकी 24,244 रुपीज ही आपका डेप्रिसिएशन आ गया, am I right? डेप्रिसिएशन नहीं, सॉरी, लॉस आ गया। और अब बचे हुए पर डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस कैरी डाउन, वो भी आपको वर्किंग नोट दे देता हूं बच्चों। फॉर 5th ईयर डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑफ रिमेनिंग मशीनरी कितना बचा, 2,62,440 मेरे पास टोटल मशीनरी थी, जिसमें से ये 24,260,244 वाली मशीनरी हमने सेल कर दी, बॉयलर सेल कर दिया। 2,62,440 में से 26,244 माइनस कर दिया, बैलेंस बचा है 2,36,196, और बच्चों अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो, 23,619.60 बना, जिसको हमने 23,620 रुपीज अप्रोक्सीमेटली लिख दिया। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे बच्चों, 23,620 रुपीज, और बाकी अपने आप 2,12,576 रुपीज हमारा बैलेंस कैरी डाउन बच गया। ये जो मैंने बॉयलर वाली बात बताई ना आपको बच्चों, ये आपका एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। जैसे 40,000 का बॉयलर है बच्चों और टोटल मशीनरी थी 4 लाख की, आउट ऑफ 4 लाख बॉयलर वॉज 40,000, तो इस साल के बिगनिंग में 2,62,440 बैलेंस बचा है। रिपीट, जब 4 लाख की मशीनरी थी तो उसमें बॉयलर था 40,000, अब जब मशीनरी रह गई 2,62,440 तो इसमें से बॉयलर की कॉस्ट कितनी बचेगी, 2,62,440। बच्चों ये ऐसे भी निकाला जा सकता है, जो कि हमने
अलग से बॉयलर पर पूरा डेप्रिसिएशन करके भी निकाला है। बात एक ही है, मैथमेटिकली इक्वेशन को पकड़ने का तरीका है। शॉर्टकट है कि जब 4 लाख की मशीनरी थी तब 40,000 का बॉयलर था, मतलब 10% बॉयलर है, 1/10 बॉयलर है, तो जब टोटल मशीनरी अब रह गई है 2,62,440 की, तो बॉयलर कितना होगा, वही 10% 26,244, इस पर 2,000 की बिकी, 24,244 का लॉस हो गया। बैलेंस 90% मशीनरी बची, 236,196, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा। ओके, तो ये राइट नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट बार बार पूछा जाता है। ओके,